ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए अमित शाह ने उनके गढ़ को चुना है। ममता के घर में जाकर पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने उनकी पोल खोल दी। शाह के ओंकार से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पसीने छूट गए हैं। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए भाजपा की योजना को जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। ममता बनर्जी के गढ़ में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने हुंकार भर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही का पर्दाफाश करते हुए उनके ऊपर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह पिछले कुछ चुनावों में पश्चिम बंगाल के लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया है, उससे ममता बनर्जी बौखला गई है। टीएमसी प्रमुख इसी बौखलाहट के कारण नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ममता बनर्जी की गुंडागर्दी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा आज और नहीं अन्याय के नाम से एक अभियान शुरू कर रही है। ये अभियान बंगाल में निरंकुश ताकतों को हराने की लड़ाई है। मैं आज हर बंगाली को बताना चाहता हूँ कि अब हम किसी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये यात्रा अभी से शुरू हुई है। यह तब समाप्त होगी जब हम 2/3 बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाएंगे। ये भाजपा की विकास की यात्रा नहीं है, बल्कि बंगाल के विकास की यात्रा है। अमित शाह ने कहा, ये यात्रा राज्य में गरीबों को सशक्त बनाने के लिए है, अपने कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और सिंडिकेट को समाप्त करने के लिए है। ये यात्रा घुसपैठ को समाप्त करने के लिए और हमारे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए है। हमें राजनीतिक रैलियों की अनुमति नहीं दी गई और हमारे 40 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए। मैं मुख्यमंत्री ममता दीदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा करके हमें रोक पाएंगे? आप जो चाहें करें, लेकिन अब बंगाल के लोगों ने आपका असली चेहरा देख लिया है। ममता बनर्जी के असली चेहरे को उजागर करने के लिए अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र किया। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ममता बनर्जी की बौखलाहट का कारण बताया। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी विरोध करे, लेकिन हम नागरिकता देकर रहेंगे। ममता बनर्जी ने शरणार्थियों को नागरिकता कानून का मुद्दा तब उठाया जब वह विपक्ष में थी। जब पीएम मोदी नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए तो वह विपक्ष में फिर से कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ खड़ी है। वो अल्पसंख्यकों को इस बात से भर रही है कि वो अपनी नागरिकता खो देंगे। मैं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को आश्वस्त करता हूँ कि CAA केवल नागरिकता प्रदान करता है और कुछ नहीं लेता है। यह आपको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने CAA इसलिए लाया है ताकि बंगाल में लाखों शरणार्थियों को यहाँ नागरिकता दी जा सके। ममता दीदी ने इसका विरोध किया और पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, ट्रेनें और रेलवे स्टेशन जला दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी का असली चेहरा सबके सामने रख दिया। उन्होंने जिस तरह से ममता बनर्जी की तानाशाही और गुंडागर्दी का पर्दाफाश किया है, उसे टीएमसी प्रमुख को सत्ता खोने का डर सताने लगा है। शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़ती ताकत को दिखा दिया। टीएमसी के भ्रष्टाचार और तानाशाह को उखाड़ने के लिए जिस तरह से शाह ने ममता को निशाना बनाया है, उससे ममता बनर्जी का असली चेहरा सामने आ गया। पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के चुनाव का ऐलान कर दिया है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।